वो तो वहां दीपू अपने मम्मी देखी है, वो कह रहा है तो तमिल छो है, मतलब उन्होंने देखा तो पतो बड़े कालो है छोटो को लाया ये तो ये देखो कितना अच्छा नहीं नहीं कोई नहीं ऐसे ही चलो क्या तारो हटाने पर इधर ओके दाम बात कर लियो आपने वहां खाली थी बारी 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 बाहर रोड पे ले लो फरेन बैठका क्यों नहीं भरे फरेन 8 फीट पाइप नहीं है दिल सुना दे शुरू में सुबह सुबह आज हम बटाड़ा गांव में किनके यहाँ पे आए हैं, क्या नाम है? दीपक जी कुमावत के घर पे आए थे, उनके जहाँ पे पशुपालन होता है गांव का जो चारा रखा हुआ था वहाँ पे आंटी जी ने सुबह इस सांप को देखा था, फिर उन्होंने इसकी सूचना हमारे टीम मेंबर दुर्गे जी कुमावत को दी थी, दुर्गे जी कुमावत ने हमें कॉल किया और हम यहाँ पे आए हैं, वो बताएंगे आंटी जी ने कैसे क्या देखा। ए जो बाड़ा भैंस रिठार में ना खड़ो वो यो जो देखियो जो पसंद में आना कर फोन की दो आओ काटा वाटा तो नहीं आपको? नहीं नहीं काटा था डरे तो नहीं आप? नहीं नहीं डर रहे मैं तो अंदर चली गई सब पीछे पीछे नहीं पकड़ू तो नहीं वो तो डर लगता है मन से दूर से तो देख लूंगी ये दामन प्रजाति का सांप है, इसको रेड स्नेक कहा जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता लेकिन ये काटता तो ये भी काटता है अपनी जान बचाने के लिए, वन्य जीव है तो काटते हैं ये, लेकिन हमने जिस तरीके से रेस्क्यू किया उस तरीके से कभी रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं करे, हो सकता है आप जिसको दामन समझ लो वो कोबरा सांप निकले, इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखें। ये दामन दामन काटता है नहीं डब्बा नहीं वीडियो उठी लेना, ये तो पीछे पीछे दूर रहना,
फ्लाइट मोड हटा देना। तो ये भी आप लोगों ने देखा, हमने दामन प्रजाति के सांप का रेस्क्यू किया था। अब मैं इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ना आया हूँ। काफी अच्छा घना जंगल है और काफी अच्छी पहाड़ियाँ है। देखी थे मेरे टीम मेंबर राजेश साली द्वारा इसको जंगल में छोड़ा जा रहा है। दामन प्रजाति का सांप जो एक बिना जहरीला सांप होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, बिना जहरीला जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं काटता, ये काटता ये भी है, लेकिन इसके काटने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी आप हॉस्पिटल ज़रूर पहुँचें कोई भी सांप काटे तो। देख सकते हैं दामन प्रजाति का सांप, शायद तक आपको दिखाई भी नहीं देगा अभी।